हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ हम नेचुरल नेल के ऊपर शेलिक परमानेंट कलर कैसे करते हैं, उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से होगी, क्या स्टेप्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैम के हमारे पास नेल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे लॉन्ग हैं। इसको जो है हम सबसे पहले शेप कर लेंगे, नेल को पोस्ट कर लेंगे और पूरे के पूरे नेल को इस तरीके से ब्लो बफर से ड्राई कर लेंगे। पूरे के पूरे नेल को जो है ब्लो बफ हम एक साथ ही कर लेंगे क्योंकि हमें सारे नेल्स पर जो है फास्ट मोड पे वर्क करना है और इसे हम धीरे वर्क नहीं कर सकते, नहीं तो नेचुरल नेल पे मॉइस्चर आ जाता है। तो इससे जल्दी जल्दी वर्क करना है ताकि किसी भी नेल पर मॉइस्चर ना आए और सबके सब नेल ड्राई रहें जब तक हमें इसके ऊपर प्राइमर और कोई बाकी जेल के प्रोडक्ट जो हैं ना लग जाएँ जब तक। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा बेस हम देने के लिए हमारे नेल जो हैं प्रिपेयर कर लिए हैं, हमने पूरे नेल को ड्राई कर लिया। अब इसके बाद जो है जितने भी डस्ट है क्लीनिंग ब्रश से क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद जो है हम लगाएंगे डिहाइड्रेटर। सो डिहाइड्रेटर और प्राइमर जो है सेम ही चीज़ होती है। बेसिकली हमारे नेचुरल नेल का पीएच लेवल ये जो है डाउन करता है और जब पीएच लेवल डाउन हो जाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बट वो थोड़ी देर के लिए ही करता है, इतनी देर के लिए नहीं कि आपके नेचुरल नेल को हार्म हो। तो इसे लगाने के बाद जो है अब हम अप्लाई करेंगे बेस। सो बेस भी मैंने चूज़ करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो अब इसके ऊपर पूरे के पूरे नेल के ऊपर हम पतला पतला करके बेस लगा देंगे। तो ये जेल पॉलिश की फॉर्म में ही आता है, आपको प्रॉपर जेल लेने की या बिल्डर जेल या हार्ड जेल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये नेल पेंट वाला बेस जेल पॉलिश है अगर तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे हमें जो है क्योर भी करवाना पड़ता है। क्योर के लिए अगर आपके पास LED है तो 90 सेकेंड और अगर आपके पास UV लैम्प है तो 120 सेकेंड आपको क्योर करवाना है। और इसके अलावा जो इसकी स्टेबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी होती है बिकॉज इसका जो प्रोसेस है करने का बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत फास्ट प्रोसेस है और इजीली आप सब कर सकते हैं। और बेस क्योर करवाने के बाद जो है अब हम अप्लाई कर रहे हैं परमानेंट कलर। तो ये मुश्किल से 3 से 4 कोट में हमारा काम जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग प्राइमर लगाते हैं एंड देन बेस और उसके बाद डायरेक्ट जेल पॉलिश एप्लीकेशन होती है। और जो इसका बेस होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, वन ऑफ माय फेवरेट बेस है ये, क्योंकि डायरेक्ट नेचुरल नेल के ऊपर अगर हमें परमानेंट कलर लगाना है बिकॉज आउट ऑफ इंडिया में तो लगाते ही यही हैं शेलिक कलर्स और इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी प्रोडक्ट्स की वजह से, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिल पाते हैं इसलिए मे बी। तो इसलिए मेरा जो फेवरेट है ये बेस बहुत ज़्यादा। और ये कलर जो मैं लगा रही हूँ इसको हम बोलते हैं शेलिक पेंट्स। इस शेलिक पेंट्स में क्या बेनिफिट होता है कि आपको सिंगल कोट में ही 100% कवरेज मिल जाती है, बिल्कुल भी ट्रांसलूसेंट नहीं रहता है। तो फर्स्ट कोट लगाने के बाद भी जो है हम इसे क्योर करते हैं। जो भी है आपके पास LED या UV लैम्प उसमें आप क्योर करा सकते हैं। और इसके बाद जो है क्योर कराने के बाद मैं अप्लाई करूँगी सेकेंड कोट। सो लेट्स सी कैसा लगता है। ये प्रोडक्ट जो है मैंने स्पेशली मंगवाया था ऑनलाइन और पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है और ईजी प्रोसेस है। हमें जल्दी से काम करना है अगर और अच्छा काम करना है जो कि स्टे करे लॉन्ग टाइम, तो उसके लिए प्रोडक्ट भी बेस्ट है। तो इसका लिंक भी जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और हमारी जो सेकंड कोट हम अप्लाई कर रहे हैं इसे भी हम जो है क्योर करवा देंगे और उसके बाद भी क्या स्टेप करना है। सो कीप वॉचिंग गाइस। सो अगर अब हम बात करें नेल डैमेज की तो इसमें जो है हमारे नेल भी बिल्कुल डैमेज नहीं होते हैं नेचुरल वाले और इनका स्टे भी काफ़ी अच्छा होता है, नियर अबाउट 1 मंथ आराम से रहता है। और इनको जब हम रिमूव करते हैं तो वो प्रोसेस भी जो है काफ़ी इजी रहता है।
रिमूवल के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है, उस सॉल्यूशन में आप नेल्स को डिप करके रखिए और देन उसे इजीली वाइप करिए और वो रिमूव हो जाएंगे। सो अगर वो नहीं है आपके पास तो आप ड्रिल के थ्रू भी कर सकते हैं रिमूव। उसके लिए भी ना मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है, अगर आप चाहें तो मेरी चैनल में देख सकते हैं उस वीडियो को, हाउ टू रिमूव नेल एक्सटेंशन और ओवरले। और इसके अलावा जो है अब हमने लास्ट में जो लगाया है, ये लगाया है मैंने टॉप कोट, यूवी टॉप कोट, और ये जो है नॉन वाइप है। तो आपके पास अगर आप नॉन वाइप हैं या वाइप वाला है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है सबसे मेन चीज़, आपने देखा कि ये चार स्टेप में पूरा के पूरा वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, और इसे भी आपने जो है यूवी टॉप कोट को सीलर को क्योर ज़रूर करवाना है। और इसे क्योर कराने के बाद जो है बारी आती है जेल वाइप करने की, तो जेल वाइप ज़रूर करना है इसमें। अगर कुछ रिमूव होने वाला होगा तो वो अभी ही रिमूव हो जाएगा, और अगर ये जेल वाइप में रिमूव होकर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स यहाँ आपका काफ़ी लंबा स्टे करने वाला है। सो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और हमारी जो अकेडमी है वो दिल्ली में है, अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स हमारा ज्वाइन करना है, प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जो है आपने देखा मैंने नीचे से एक बार उसे नीट कर दिया है, ताकि अगर एक्स्ट्रा कुछ भी डेड नेल है वो हमारा रिमूव हो जाए और या फिर वो चुभे नहीं। और लास्ट में जो है हम इसके ऊपर नॉर्मल टॉप कोट लाइक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट और क्यूटिकल ऑयल ज़रूर लगाएंगे, ये मस्ट है इसके लिए। तो गाइज हर एक स्टेप्स का ना एक ज़रूरी रीज़न ज़रूर होता है, जो कि मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताती हूँ ज़रूर। सो आई होप आपको मेरी वीडियो जो है काफ़ी अच्छी लगती होंगी, सो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।